आज रीना की दुनिया रेसिपीज में बन रहा है दुनिया का सबसे आसान डेजर्ट। इस डेजर्ट को बनाने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और स्वाद का क्या कहना है। इसमें आपको रसमलाई, मिल्क केक सभी का टेस्ट आने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी चीनी लिया है, उसी कटोरी से एक कटोरी पानी डाल देंगे और इसको गैस पर रख के हल्का सा चिपचिपी चाशनी बना के तैयार करेंगे। एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी सी चाशनी बनाना है। तो चीनी मेल्ट हो गया, एक पिंच डाल देंगे फूड कलर और मिक्स करके इसको ढक के गैस को बंद कर देंगे और उसी गैस पे वापस से रखेंगे कढ़ाई या पैन। इसमें डालेंगे 2 गिलास फुल फैट दूध और इसको मीडियम लो फ्लेम पे एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब तक ये उबल रहा है तब तक आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने घर की फ्रेश 2 से 3 चम्मच मलाई ले ली है, अच्छे से इसको फेंट लेना है और फेंटने के बाद इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर देंगे। वापस से एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च। आप कॉर्न स्टार्च की जगह पे आप यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, तो उसमें आपको कस्टर्ड का भी फ्लेवर आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको साइड में रहने देते हैं और देख लेते हैं दूध को। तो दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी, मिक्स कर देंगे और अच्छा सा वापस एक उबाल आने देंगे। तो दूध में उबाल आ गया है, तो धीरे धीरे करके हमने जो कॉर्न स्टार्च का घोल बना डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है, जब तक कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है 2 से 3 मिनट में ही, लेकिन 2 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे। टोटल हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाया है और गैस का फ्लेम लो करेंगे और 2 से 3 इलायची क्रश करके डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना ही रखना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने ले ली है प्लास्टिक का कंटेनर। अगर आप स्टील या कांच का बर्तन ले रहे हैं तो आप गर्मा गर्म ही इस डेजर्ट को बनाना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे हमने प्लास्टिक की ली है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ठंडा किया है। तो यहाँ पे लगा दिया है रस्क या टोस्ट, जो भी आप बोलते हैं, और इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे से शुगर सिरप चारों साइड से। और सब भी शुगर सिरप को नहीं डालना है, आधा ही डालेंगे, आधा रहने देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर से हमने जो रबड़ी बना के तैयार की है वो लगा देंगे, अच्छे से चारों साइड से फैला देंगे। और रबड़ी लगा दिया है चारों साइड से, एक आध बार डैप कर दें ताकि अच्छे से चारों साइड से रबड़ी चला जाए। और वापस से टोस्ट को लगा देना है, उसके ऊपर डालेगा वापस से शुगर सीरम। तो यहाँ पे हमने सारे शुगर सीरम को डाल देना है और वापस से इसके ऊपर डाल देना है रबड़ी को। तो चारों साइड से अच्छे से लगा दीजिएगा रबड़ी को, कहीं से ये फोल्ड ना रहे। तो यहाँ पे हमने सारे रबड़ी को डाल दिया है। अब बारी आती है इसको डेकोरेट करने का, तो आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़े से बादाम की कतरन लगा दी है, थोड़ा सा टूटी फूटी, और थोड़ा सा ही डाल देंगे पिस्ता। आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है, इसमें लगा देंगे एल्युमिनियम पेपर और या फ्रीजर में 3 से 4 घंटे के लिए। आप जितने देर इसको सेट होने के लिए रखेंगे उतना ही अच्छा आपका मिल्क केक या मिठाई आपका बनके तैयार होगा। तो चलिए इसको रख देते हैं फ्रीज में और 3 से 4 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है, देख सकते हैं। तो चलिए ठंडा ठंडा इसको सर्व करते हैं। और इसमें आपको मिल्क केक और रबड़ी मलाई केक सभी का टेस्ट आने वाला है। और इस रेसिपी को एक बार बनाने के बाद आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार है और 10 से 15 मिनट में घर की सामानों से ही बनके तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।